नमस्ते आप मैं हूं संकल्प और सीए इंटर कॉस्टिंग वालों अब तुम्हारी बारी तो so, अगर आप ग्रुप टू दे रहे हो इन द न्यूली फॉर्म सेप्टेम्बर ट्वेंटी फोर ऐतिहासिक अटेम्प्ट हो गए बिकॉज पहली बार आईसीए मई और नवंबर से हटके सितंबर में ये एग्जाम ले रहा है सो so, क्या होगी आपकी स्ट्रेटेजी बिकॉज वी हैव अप्रोक्सिमेटली मंथ एंड अ हाफ लेफ्ट एमसीक्यू विच कॉन्स्टिट्यूटी परसेंट ऑफ ये क्या स्ट्रेटेजी होगी एंड सुपर सिक्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं बट स्टे सब्सक्राइब बिकॉज सी ए इंटर वालो तुम लोगों के लिए मैं ला रहा हूं कुछ समथिंग स्पेशल और वो आप लोगों को यहां पर दिख जाएगा यस दैट इज गोइंग टू बी योर रिविजन लेक्चर्स तो ऑलरेडी मेरे रिविजन लेक्चर्स हैं बट कुछ टाइम पहले मैंने डाले हुए हैं वो तो अगर आपको फ्रेश रिविजन लेक्चर्स चाहिए मेरी तरफ से थ्योरी कॉन्सेप्ट फॉर्मुलाज एंड प्रैक्टिकल के देन यू हैव टू टेल इट टू मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली आई विल रिकॉर्ड न्यूली रिविजन लेक्चर्स फॉर योर अटेम्प्ट तो अगर क्विक करना है आपको एंड <laughs> सारे के सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मुलाज और क्वेश्चन जो मेन मेन क्वेश्चन है वो रिकॉल करवाने हैं नो इन कमेंट बॉक्स आई डेफिनेटली डू इट एंड स्टेक दूसरी बात स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए so, देखो, का जैसा मैंने आपको दिया थोरी एंड प्रैक्टिकल का मैं लेने का प्लान कर रहा हूं लेट सी हव इट वर्क सुपर सिक्सटी क्वेश्चन क्वेश्चन लास्ट टाइम कई है नॉट मच ऑफ अ चेंज योर ये so, प्लीज yeah, आप लोग फॉलो कर लो बिकॉज दीज क्वेश्चंस आई टेल यू कवर द होल कॉन्सेप्ट्स तो से फॉर एग्जांपल अगर आप बात कर रहे हो मटेरियल कॉस्टिंग की तो मटेरियल कॉस्टिंग में जितने भी वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल ईओक्यू का है डिफरेंट स्टॉक लेवल का है मिसिंग फिगर्स इन्वेंट्री टर्नओवर का सेफ्टी लेवल का जो भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे यहां पे कवर हो गए तो मतलब ये दस क्वेश्चन कर लिए तो आप समझ सकते हो कि पूरा का पूरा आपका मटेरियल इतनी अच्छी तरह से हो गया कि फिर आपको इसके बियॉन्ड देखने की जरूरत नहीं है सो so, इसी के साथ और जो भी मेरे को चैप्टर है तो यहाँ पे से ओवरहेड्स आ गया तो ओवरहेड्स में जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो मैंने सारे यहाँ पे कवर कर लिया है ऑल ऑफ दिस यू विल फाइंड इट ऑन माई टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं कमेंट बॉक्स पे मैं दे रहा हूं एंड यू हैव टू यूज दैट सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द फॉर्म्यूला शीट एग्जाम में वी ऑल नो कि सी इंटर कॉस्टिंग में कितने सारे सारे जाए तो क्यों ना ये में, level, level, हो गया, या में, हल से रोवान के जो ओवरहेड में परसेंटेज ऑफ प्राइम मेथड है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कॉस्ट शीट हो गया यूनिट बैच कॉस्टिंग एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस शीट, सो so, ये आप लोगों के लिए काफी रिविजन लेक्चर्स आपको चाहिए ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स पे एंडली आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट एम सी क्यू ऑन टेलीग्राम बॉस थर्टी मार्क्स का एमसी क्यूज कन्फर्म आने वाला है एंड वी बेटर एंड श्योर मैक्सिमम मार्क्स इन इट बट इसका प्रैक्टिस आपको कौन देगा मैं आपको दूंगा मेरे पे फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप समझ लीजिए नेक्स्ट वीक से यस टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा नेक्स्ट वीक से टेलीग्राम पे आपको एमसी क्यूज मिल रहे हैं फॉर श्योर फॉर योर अटेम्प्ट एंड वो अगर आप लोग ने कर लिया मैं आपको बोलता हूं एटलीस्ट थर्टी जो मैं हर एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चन डालने वाला हूं तुम लोगों के लिए ऑन द स्पॉट आपको एमसीक्यू डालूंगा टेलीग्राम पे पोल के थ्रू आपको वहां पे करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है फिर जो प्रॉपर आंसर है वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर लूंगा या कमेंट के थ्रू आप लोग आंसर कर सकते हो एंड दैट विल रियली बी हेल्पफुल तो एक फन uh, वे में एमसीक्यूज uh, भी हो जाएगा एंड एग्जाम में अगर आपको सिक्सटी सेवेंटी क्रॉस कर रहा है सो डेफिनेटली एमसीक्यू इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर यू एंड मैं आप लोगों के लिए लाया हूं अप्रोक्सिमेटली एक टेन डेज का ट्रैकर दस दिन में अगर आपको ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है करना ही पड़ेगा तो मैंने चार फेज में डिवाइड कर दिया है आपके पूरे सब्जेक्ट को आप लोग भी इसी तरफ इसको यूज करना तो सबसे पहला फेज है मेरा जिसमें मैंने क्वेश्ची मटेरियल और ओवरहेड्स को लिया है गारंटीड समझ लो यहां पे से अप्रोक्सिमेटली पच्चीस मार्क का आएगा स्टैंडर्ड मार्जिनल पच्चीस मार्क बाकी का एबीसी प्रोसेस जॉइंट प्रोडक्ट एंड चैप्टर वन जो थ्योरी वाला चैप्टर है वो आएगा पच्चीस मार्क्स का एंड सर्विस सेक्टर भी ट्वेंटी so, तो अगर आपने 2.5 डेज के हिसाब से इस पूरे सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया तो फेज वन आपको सोचना है बस कॉस्टिंग में और कुछ है, नहीं, खाली वन ही है। और वो टू एंड हाफ डेज पूरी तरह से तन मन धन से लग जाना है इसके ऊपर कॉस्ट शीट पढ़ोगे फिर मटेरियल करोगे फिर overheads करोगे एंड गेट इट डन एंड सेम वे स्टैंडर्ड मार्जिनल बजटरी करते करते आई एम श्योर यू विल बी एबल टू क्रैक इट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल तो बस इसी को फोकस करके पूरी अच्छी तरह से अपने को कंप्लीट करना है ये सब्जेक्ट एनीथिंग एल्स डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स गाइस सो प्लीज इसको प्रॉपरली फॉलो करो मेरे सुपर सिक्सटी क्वेश्चंस को एकदम बराबर से कर लो गारंटीड इसमें से थर्टी परसेंट पेपर आएगा एमसीक्यू जो टेलीग्राम पे मैं डाल रहा हूं उसको फॉलो करना चालू कर दो अगेन टेन डेज ट्रैकर बोला है उसको यूज कर लो एंडली रिकॉर्ड आप करके आपको दूंगा right, uh, वैसे मेरा जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं सो so, तो भी आप लोग को एक मोमेंटम मिल जाएगा एंड डेफिनेटली न्यू लेक्चर विल बी हेल्पफुल एज वेल Okay, time for me to say, vista, और कुछ भी चाहिए में अगर अपने को अच्छी तरह से स्कोर करना है then this is one subject जो maximum स्कोर करवाएगा बाकी ऑडिट है एस एम है उसमें स्टिल you थ्योरी know, है तो यू नेवर नो बट ये प्रैक्टिकल है पूरी तरह से अच्छे मार्क्स हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड भी स्कोर किए जा सकते हैं